डिफरेंशिएशन, यहां पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री खत्म, अब हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये ग्राफ है वाई वर्सेस एक्स, व्हाट इज डीवाई बाई डी एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स एट दैट इंस्टेंट, बिकॉज स्लोप चेंजिंग भी हो सकती है। सो dy by dx क्या है, dy by dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये कौन सा रेट मिलता है बेटा, इंस्टेंटेनियस, उस समय क्या रेट है, इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट है, है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ y वर्सेस x, और बेटा स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, है ना, स्लोप का दूसरा फॉर्मूला tan थीटा। यहां से देखो tan थीटा क्या होगा, dy by dx, dy चेंज इन y, dx चेंज इन x। यहां से देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस ट्रायंगल से देखो tan थीटा की वैल्यू dy by dx होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, अगर y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, जीरो होता है। y x की पावर n है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, n x की पावर n माइनस वन, यहां जो भी लिखा है पावर उसको बाहर ले आओ और x की पावर एक कम कर दो, है ना। y इज इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। y इज इक्वल्स टू x, x की पावर कितनी है 1, तो 1 को बाहर ले आए क्या हो जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0, सो 1 इंटू x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखेंगे ये बात, अगर y इज इक्वल्स टू x है तो dy by dx कितना आ जाता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहां से पावर 2 को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, है ना, देखो पावर बाहर ले आए और x की पावर 1 कम कर दी, पावर को बाहर ले आए x की पावर 1 कम कर दी, तो पावर को बाहर लाए x की पावर 1 कम कर दो, तो 2 से 1 कम किया 1 हो गई, बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। y is equals to x की पावर 5, तो पावर को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, पावर को बाहर ले आओ और x की पावर को 1 कम कर दो, तो पावर को बाहर लाए x की पावर 5 से 1 कम की 4, 5x की पावर 4, क्लियर है। जैसे मान लो लिखा हो y इज इक्वल्स टू x की पावर 100, तो बेटा कितना हो जाएगा dy by dx, बोलो पावर को बाहर ले आओ और x की पावर 1 कम कर दो, x की पावर 99, क्लियर है, पावर को बाहर ले आए x की पावर 1 कम, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 by x, y इज इक्वल्स टू 1 by x, y is equals to 1 by x, इसका dy by dx याद होना चाहिए, मैं तो कहता हूं याद होना चाहिए। देखो उल्टे वाले में क्या करते हैं, ट्रिक समझो, x की पावर 1 है ना ये नीचे, और ये नीचे है तो माइनस 1 है, तो यहां लगाओ माइनस 1 और नीचे x की पावर 1 बढ़ा दो, करके भी देख सकते हो फॉर्मूले से, देखो ये नीचे है ना पावर 1, तो यानी माइनस 1 हो गई पावर, तो ऊपर माइनस 1 लिखो जो पावर है और नीचे पावर 1 बढ़ा दो, खत्म। ये देखो 1 अपॉन x स्क्वायर यानी x की पावर माइनस 2, तो ऊपर लिखो माइनस 2 और नीचे पावर 1 बढ़ा दो, ये रेसिप्रोकल को डील करने का तरीका। 1 अपॉन x की पावर 9, तो ऊपर लिखो माइनस 9 और नीचे x की पावर 1 बढ़ा दो, क्लियर है। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x की पावर 4, तो dy by dx, सभी लोग साथ में बताएंगे बेटा x की पावर माइनस 4 है, तो ऊपर लिखो माइनस 4 नीचे x की पावर 5 कर दो, है ना, ये जल्दी जल्दी करने का तरीका बता रहे हैं। देखो ये तो सबको याद होना चाहिए कि अगर dy, अगर y की वैल्यू x है तो dy by dx माइनस 1 by x square, कैसे किया, यहां 1 है ऊपर माइनस 1 नीचे पावर 1 बढ़ा दो, ऊपर माइनस 4 नीचे पावर 1 बढ़ा दी। मान लो y इज इक्वल्स टू लिखा है 1 अपॉन x की पावर 7, तो dy by dx क्या होगा, सभी लोग साथ में बोले, देखो निकालने को तो तुम निकाल ही लोगे, तरीका तो तुमको पता ही चल गया, सो यू कैन फाइंड आउट, है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप निकाल नहीं सकते। बेटा dy by dx क्या हो जाएगा इसका, माइनस 7 है ना, तो माइनस 7 ऊपर लिख लो, x की पावर माइनस 7, तो माइनस 7 ऊपर लिख लो, नीचे पावर 1 बढ़ा दो। बेटा रूट एक्स, वाई इज इक्वल्स टू रूट एक्स यानी x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन देखो बड़ा आसान है, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होता है ये लिखो हाफ और रूट एक्स को नीचे चिपका दो,
अब सर क्या कर रहे हो, रटवा रहे हो यार ना, ये सब ऐसा है कि एग्जाम बेटे कर नहीं सकते, टाइम नहीं है इतना, है ना। नीट का एग्जाम बेटा क्या है, नीट का एग्जाम किस चीज का एग्जाम है, नीट का एग्जाम स्पीड का एग्जाम है, नीट का एग्जाम मेमोरी का एग्जाम है। याद रखो, कई बार नीट में बड़े हेल्दी हेल्दी सवाल दे देता है, और वो हेल्दी हेल्दी सवाल आप अभी कर पाओगे जब आपको बेसिक डेटा याद होगा। जब आप एग्जाम में दो, आपको 2-3 हजार चीजें याद हो। देखो जितने भी बहुत अच्छे टीचर होंगे वो ये चीज मना करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर कंपटीशन को पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं रख रहे। ये कंपटीशन है साहब, यहां हर कोई लड़ रहा है, तो यहां जंग में आने के लिए पहले से अपनी तलवार कस के रखनी पड़ेगी, है ना, अपने बाण कस के रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि वहां जा रहे हैं, अच्छा बाण कहां है, अच्छा चलो बाण खरीद के लाते हैं फिर धनुष पे चढ़ाएंगे। y is equals to root x divided by dx 1 by 2 root x, खत्म। हाँ, इसको चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। y is equals to root x को क्या मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूं, बिल्कुल। सो ये नहीं कह रहा कि कॉन्सेप्ट नहीं है, dy by dx क्या होगा बेटा, हाफ बाहर आ जाएगा, x की पावर हाफ माइनस वन, यानी हाफ x की पावर हाफ माइनस वन कितना हो गया, x की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ मतलब 1 by root x, तो देखो आ गया। माइनस हाफ का मतलब नीचे ले आओ तो पावर पॉजिटिव हो गई, और हाफ मतलब रूट एक्स। बात समझ में आई, माइनस हाफ, माइनस को पावर को नीचे ले आओ प्लस हो गई, और हाफ है तो रूट एक्स कर दिया। बट आप ये सब याद रखो कि वाई रूट एक्स है तो डीवाई बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स, वाई 1/x है तो डीवाई बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये रेसिप्रोकल वाला खेल समझ में आ गया है, खटाखट खटाखट एग्जाम में करना। ये नहीं कि लिख रहे हैं 1/x स्क्वायर को x की पावर माइनस 2, फिर माइनस 2 बाहर आएगा x की पावर माइनस 2, माइनस 1, माइनस 3, फिर नीचे ना, यहां से माइनस 2 ऊपर गया नीचे पावर एक बढ़ा दी, यहां से माइनस 9 ऊपर गया नीचे पावर एक बढ़ा दी। बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी को याद होते हैं, एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डीवाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल्स टू टेन एक्स डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। y is equals to sec x dy by dx हो जाता है sec x tan x। इसमें कोई लॉजिक नहीं, रटना होता है, बट इन दोनों को देख लो, इन दोनों का पैटर्न समझ में आएगा। tan x का बन गया sec square x, tan x का बन गया sec square x, तो cot x का बन जाएगा cosec square x, ठीक है। sec x का बन गया sec x tan x, sec x का बन गया sec x tan x, तो cosec x का बन जाएगा cosec x cot x। अब एक चीज याद रखो, ये सीसी वाले में नेगेटिव भी लगता है, सीसी वाले में नेगेटिव भी लगता है, सीसी वाले में नेगेटिव भी लगता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x, और cot x का cosec स्क्वायर x, एक जैसा लगा। टेन एक्स का sec स्क्वायर x, cot x का cosec स्क्वायर x, पर यहां सी वाले में नेगेटिव भी लगता है, ठीक है। sec x का sec x tan x, sec x का sec x tan x, तो cosec x का cosec x cot x साथ में नेगेटिव लगता है, क्लियर, रटने वाली बात है। चलो, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, है ना, लॉगरिथमिक भी है एंड एक्सपोनेंशियल भी है। चलो हाँ, y is equals to log x dy by dx होता है बेटा 1/x। y is equals to e की पावर x dy by dx will be e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। y is equals to a की पावर x dy by dx हो जाएगा a की पावर x log a, a की पावर x log a। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं लास्ट वाले का, मान लो लिखा है y is equals to 10 की पावर x, so dy by dx होगा 10 की पावर x log 10। ये x की पावर 10 नहीं है, ये 10 की पावर x है। x की पावर 10 में तो आप क्या लिखते हैं, 10 x की पावर 9, ये अलग है, 10 की पावर x, तो a की पावर x, है ना, पहले कांस्टेंट है पर उसकी पावर में x, अभी तक x की पावर में कांस्टेंट था, x की पावर 10 तो बड़ा आसान है, 10 x की पावर 9, है ना, 10 की पावर x, 10 की पावर x log 10, क्लियर है, याद करने वाली चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, एडिशन रूल, बड़ा सिंपल है यार, कोई इसमें नई चीज नहीं है। एडिशन रूल के अंदर देखो, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करो और सबको जोड़ दो, सिंपल, ठीक है। सो y इज इक्वल, चलो और डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स,
तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखेंगे हमेशा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x की पावर 4 बाहर आ गया, पावर 1 कम कर दी, 4 बाहर आ गया, पावर 1 कम कर दी, 1 बाई x यानी x की पावर -1, तो ऊपर -1 नीचे पावर 1 बढ़ा दो, क्लियर है। यहां क्या होता है, 4 बाहर आया, x की पावर 1 कम कर दी, नीचे वाले में क्या होता है, जो लिखा है x की पावर -1 है, ये एक तरह से 1 बाई x मतलब x की पावर -1, तो -1 ऊपर नीचे पावर 1 बढ़ा दी, प्लस 2 रूट एक्स, तो 2 को एज इट इज छोड़ दो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस 3 को एज इट इज रखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, यहां से 2 कैंसिल हो गया, दैट्स इट, क्लियर है सभी को। x का 1, x की पावर 4, x क्यूब, 1 बाई x यानी x की पावर -1, तो -1 अपॉन x की पावर 1 बढ़ा दी, 2 रूट एक्स, 2 को एज इट इज रखा, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस 3 को बाहर किया, e की पावर x का e की पावर x। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूवी मैथड, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। So y is equals to uv, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो dy by dx क्या होता है, u dv by dx plus v du by dx, पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले को डिफरेंशिएट करो, y is equals to x log x, तो ये हो गया हमारे पास दो फंक्शन, ये हो गया u, ये हो गया v, तो dy by dx, पहले u को बाहर लिया, log x को डिफरेंशिएट किया 1 बाई x, फिर v को बाहर लिया और x को डिफरेंशिएट किया, खत्म हो गया, x बाई x कितना हो गया 1 प्लस log x इज द आंसर, क्लियर। तो पहले एक को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले को डिफरेंशिएट। u बाई v मेथड, u बाई v मेथड, u बाई v क्वेश्चन रूल, u बाई v मेथड, तो dy बाई dx होता है बेटा जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा है उसको पहले लिखो, फिर v du by dx, क्लियर है, जो नीचे लिखा है उसका पहले स्क्वायर कर दो, फिर v du by dx, फिर माइनस लगेगा u dv by dx, तो जो नीचे लिखा है पहले उसका स्क्वायर कर दो, फिर से लिखता हूं, ठीक है, जो नीचे लिखा है पहले उसका स्क्वायर कर दो, u by v, नीचे क्या लिखा है v, तो v का स्क्वायर कर दिया, फिर v du by dx minus u dv by dx, तो पहले कौन सा आता है, नीचे वाला constant, फिर ऊपर वाले का differentiation, फिर minus ऊपर वाला constant, नीचे वाले का differentiation, y is equals to x बटे sin x, x बटे sin x, ये हो गया u, ये हो गया v, आ जाओ differentiate करते हैं, सबसे पहले नीचे जो लिखा है उसका square कर दो, sin square x, फिर v को यहां पे लिखेंगे sin x, और u को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर u को कांस्टेंट लेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, दिस इज द आंसर, क्लियर है। पहले नीचे v का स्क्वायर कर लो, नीचे v का स्क्वायर, फिर यहां v और इसको डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर वाले को, फिर माइनस ऊपर वाला लिखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट, पहले नीचे वाला ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला नीचे वाला, जिसका स्क्वायर हुआ है वो पहले आएगा, ये याद रखो, इसी में गलती होती है, यहीं पे कंफ्यूजन, यहीं पे भूल जाता है इंसान, नीचे जिसका स्क्वायर किया उसी को पहले रखे, तो यही छोटी 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 बातें होती है जो टीचर समझता है कि कहां आपसे मिस्टेक होती है, तो ऐसे याद रखो, जिसको नीचे स्क्वायर किया उसको यहां पे पहले जगह देंगे, उसी की प्रायोरिटी है, v स्क्वायर, तो यहां v du by dx minus u du by dx, और ये तो बड़ा क्लियर है, uv मल्टीप्लीकेशन तो बड़ा आसान है, पहले को कॉन्स्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को कॉन्स्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट, पहले को कॉन्स्टेंट, दूसरे को कॉन्स्टेंट, पहले को, इसके सवाल आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सीट के अंदर, तो प्रैक्टिस सीट तो लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट चेन रूल, अब चेन रूल में क्या होता है, अगर यहीं पे लिखा होता साइन एक्स, वाह 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 वाह, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, पर यहां साइन एक्स स्क्वायर, जब ऐसी फीलिंग आने लगे, है ना, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे और बात आकर जुबान तक रुकने लगे, तो मैंने कई बार कहा है कहने की कोई जरूरत नहीं है, बेइज्जती होती है, तो साइन एक्स स्क्वायर, है ना, तो एक्स स्क्वायर को आप एक्स मान लो, यहां यही खेल है, एक्स स्क्वायर को एक्स मान लो, क्योंकि आप चाहते थे दिल से कि यहां एक्स हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो भैया ठीक है, तो भैया ठीक है, तुम चाहते थे यहां पे एक्स हो, तुमने एक्स मान लिया, सो डीवाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
है ना, फिर क्या करो, इस x को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल x, है ना। कहने का मतलब कि जो लिखा है साइन एक्स स्क्वायर तो लिख लो कॉस एक्स स्क्वायर। अरे ये कैसे हो सकता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये जो x होना चाहिए था इसको डिफरेंशिएट कर दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो आंसर हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई कुछ, जो आप चाहते थे x हो, जो आप चाहते थे x हो, साइन x होता तो डिफरेंशिएशन सीधा सीधा कॉस x आता, तो आप इसको मान लो कि ये साइन x है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस x, सो dy by dx इज इक्वल्स टू कॉस, और x क्या है x स्क्वायर है, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2 बाहर आ जाएगा x इधर x की पावर एक कम, सो ये हो गया 2x इंटू कॉस x स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू log 2x स्क्वायर प्लस 4, बेटा log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 by x, याद रखेंगे log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो अगर ये पूरा का पूरा x होता तो इसका डिफरेंशिएशन 1 by x होता, 1 by x, x क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4। फिर क्या करो, इस पूरे कैपिटल x को डिफरेंशिएट करो, पहले क्या किया log के अंदर पूरे को कैपिटल x माना, log x का डिफरेंशिएशन 1 by, फिर इस कैपिटल एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, आओ डिफरेंशिएट करें 2x स्क्वायर प्लस 4 को, तो 2 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो व्हाट यू गेट 2 2s आर 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हुआ, 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। फिर से करके दिखाऊंगा ये वाला, फिर से करके दिखाऊंगा, चलो यही बच्चों कंफ्यूजन होती है हमेशा चेन रूल में, ठीक है। चलो तो मैंने क्या कहा कि इस पूरे को आप दिमाग में एक्स मानो, अब पहले दिमाग से आप उनको निकालो, है ना, आप तो उन्हीं को अपना रब मान रहे हो, इनको एक्स मानो, अपनी एक्स को नहीं याद करने लग गए, इसको एक्स मानना, अभी सर समय नहीं है सबका, घबराहट का माहौल है सर, समझो। सो लॉग एक्स माना, सो डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा 1 बाई एक्स होगा, सो यानी 1 बाई जो एक्स माना है यानी 2x स्क्वायर प्लस 4, फिर जिसको एक्स माना है उसको डिफरेंशिएट कर दो, खत्म। सो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा यहां x, और 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, सो व्हाट विल यू गेट 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है, यहां पे एक और चाहो तो रख के देख लो, y इज इक्वल्स टू सपोज लिखा है cos x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx, तो पहले आप किसको चाहते थे x हो जाए, जो वहां पे अंदर लिखा है उसको आप दिल से चाह रहे थे कि वो x हो जाए, है कि नहीं, आप इसको चाह रहे थे कि ये पूरा x हो जाए, सो dy by dx क्या होगा बेटा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सो माइनस, नहीं समझ रहे आप, यही तो चाह रहे थे ना, आप दिल से चाह रहे थे कि ये पूरा क्या x होता, सो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सो माइनस sin, और x की जगह ये जो लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसके बाद इस पूरे x को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, इस पूरे को आपने x माना था, सो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर इस पूरे को डिफरेंशिएट, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गया x की पावर 1, प्लस 4x का डिफरेंशिएशन बेटा 4 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मैंने कई बार कहा ये चीज याद होनी चाहिए आपको कि x का, क्या मेरी इमेज साफ आ रही है, हाँ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, है ना, तो ये 2 बाहर आया 2x, और 4 x का डिफरेंशिएशन 1, और 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा, सो इट विल बी, इसको इधर ले आओ 2x प्लस 4, सामने लगा दो माइनस का साइन, माइनस 2x प्लस 4 और साइन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। नेक्स्ट बेटा डबल डिफरेंशिएट, y इज इक्वल्स टू साइन x, तो dy बाई dx को बोलते हैं y डैश, पहली बार डिफरेंशिएशन को y डैश बोलते हैं, तो y डैश कितना हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या मेरी इमेज क्लियर आ रही है कि कोई इशू आ रहा है इसमें? क्लियर आ रही है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, इसको हम लोग वाई डबल डैश बोलते हैं। पहली बार डिफरेंशिएट किया वाई डैश, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया वाई डबल डैश। तो दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार किया कॉस एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यस और नो? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट। क्लियर है? डबल डिफरेंशिएट। मान लो मैंने लिख दिया वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, चलो इसका निकालो। तो पहली बार डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, यानी वाई डैश, तो थ्री बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी। दूसरी बार डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, वो अलग चीज होती है, ये डबल डिफरेंशिएट है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं वाई डबल डैश, पहले डिफरेंशिएशन को वाई डैश, दूसरे को वाई डबल डैश। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, थ्री एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का टू बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, कितना हो गया सिक्स एक्स हो गया। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, यहां से सवाल बनते हैं इसके एप्लीकेशन पे। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में एक बात कॉमन है, वो क्या है कि आप देखो जहां पे मैक्सिमा हो रहा है, देखो इस फंक्शन का ये कौन सा वैल्यू है, ये कैसा वैल्यू है, मैक्सिमा है ना, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है। इस टाइम बेटा स्लोप कितनी है, स्लोप क्या होता है टैन थीटा, यहां पे थीटा कितना है जीरो डिग्री, स्लोप होती है एंगल दैट द लाइंस मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है जीरो डिग्री, जीरो डिग्री पे एकदम स्ट्रेट लाइन। तो बेटा यहां पे स्लोप कितनी होती है, यहां पे स्लोप होती है टैन जीरो, एंड टैन जीरो की वैल्यू बेटा कितनी होती है जीरो। और स्लोप क्या होता है डीवाई बाई डी एक्स, यानी डीवाई बाई डी एक्स यहां पे कितना होता है जीरो। बात समझ में आ गई, यहां पे एंगल कितना है जीरो डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप हो गया टैन जीरो, स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं डीवाई बाई डी एक्स, और टैन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है, तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो। यहां पर भी बेटा सेम चीज है, यहां देखो फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है मिनिमम मिनिमा, और यहां पे भी बेटा स्लोप कैसी है जीरो ही है, स्लोप इज इक्वल्स टू टैन जीरो डिग्री, और टैन जीरो डिग्री इज जीरो, एंड स्लोप इज डीवाई बाई डी एक्स। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है। अब कैसे पता चलेगा सर कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा, डीवाई बाई डी एक्स दोनों जगह जीरो होता है, चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा, कैसे पता चलेगा भाई, डीवाई बाई डी एक्स दोनों जगह जीरो। अगर dy by dx 0 है तो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी। अब चेक करना होगा d2y by dx square, अगर d2y by dx square less than 0 है यानी नेगेटिव है तो बेटा मैक्सिमा होगा, और अगर d2y by dx square greater than 0 है, greater than 0 यानी पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। वैसे कहानी थोड़ी उल्टी लग रही है पर ऐसा ही होता है ना, मैक्सिमा में नेगेटिव मिनिमा में पॉजिटिव, ऐसा ही होता है। तो ये डबल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा में, कि जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पे dy by dx जीरो होता है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो दोनों जगह dy by dx जीरो। मैक्सिमा में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मैक्सिमा में उल्टा नेगेटिव, और मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। आजो सवाल करते हैं, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच दीज अकर्स। चलो मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे को इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो अगर मेरे से मैक्सिमा मिनिमा पे सवाल है, सबसे पहले एग्जाम में अगर हमने मैक्सिमा या मिनिमा देख लिया, कहीं भी देख सकते हैं, द मैक्सिमम हाइट given by this expression है ना, the maximum range given by this expression कहीं भी मिल सकता है ना, the maximum value of the charge, तो कहीं भी जहां पे बेटा exam में maxima minima बोले वहां पे बिना कुछ सोचे dy by dx को zero कर दो, सबसे पहले dy by dx को zero कर दो। यहां से बेटा dy by dx क्या आएगा, x cube का differentiation, 3 बाहर आ जाएगा, x square 3 बाहर आ जाएगा, x की power एक कम, minus 3 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 कम कर दी, और प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल्स टू 0, dy by dx की वैल्यू कितनी होनी है 0।
सो एक्स क्यूब का डिफिनेशन 3x² माइनस 3x² का 2 बाहर लाए, 3 6x और प्लस 6 कॉन्स्टेंट का डिफिनेशन 0 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यू आ रही हैं, यहां से x की वैल्यू दो आ रही हैं, 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इधर x 0 है या x माइनस 2 0 है, है ना, 3 को उधर ले जाओ, x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट आ रहे हैं, या तो x की वैल्यू 0 है या तो x की वैल्यू 2 है, है ना, या तो ये 0 होगा या तो x माइनस 2, इतना तो आता होगा, इतना तो पढ़े होगे भैया, इतना गलत कैसे हो सकता है, तो x की वैल्यू 0 या x माइनस 2 की वैल्यू 0, तो दो वैल्यूज हैं, क्या पता एक मैक्सिमा एक मिनिमा हो, क्या पता दोनों मिनिमा या दोनों मैक्सिमा, चेक कैसे होगा आप d2y by dx² निकाल के, तो नेक्स्ट स्टेप है d2y by dx² निकालना, क्या करें दूसरी बार डिफरेंशिएट, तो ये पहली बार डिफरेंशिएट करके आया, dy by dx की वैल्यू यही है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ये dy by dx की वैल्यू, इसको फिर से, तो 3x² का डिफरेंशिएशन, 3x² का 2 बाहर आया और पावर 1 कम हो गई, ये देखो dy by dx की वैल्यू है, तो 3x² का डिफरेंशिएशन 3 बाहर रहा, x² का 2 बाहर आया और पावर 1 कम हो गई, -6x, तो -6 को एज इट इज ले लिया मैंने और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है लिख लिया, कितना हो गया 3 2 6x - 6, ये d2y by dx² की वैल्यू है, इसको चेक कर लो x is equals to 0 और x is equals to 2 के लिए, है ना, इसको चेक कर लो, सो d2y by dx² की वैल्यू चेक करो, x equal to 0 के लिए एंड x इक्वल टू 2 के लिए, तो 0 रखने पे क्या हो रहा है, 0 कैसा आया -6, कैसा हो गया नेगेटिव, और 2 रखने पे 2 6 12 -6 6, यानी कैसा पॉजिटिव, तो d2y by dx² यहां पे पॉजिटिव है, ये क्या है मिनिमा, d2y by dx² नेगेटिव है, क्या है मैक्सिमा, और dy by dx दोनों के लिए क्या होना चाहिए 0, सो dy by dx 0 है, किसके लिए 0 के लिए और 2 के लिए, यानी 0 और 2 पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, कैसे पता चलेगा d2y by dx² से, सो dy by dx की वैल्यू ये थी, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, 3 को बाहर रखा, 2 को इधर लाए, 3 टू द 6 x की पावर 1 कम की, -6 x की पावर 1 कम करोगे तो 1 हो जाएगा, है ना, 6x माइनस 6, हमने कहा इसको चेक कर लो, x इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 पे, 0 रखा तो -6 आया नेगेटिव, d2y by dx² नेगेटिव है और dy by dx 0 है, ये कौन सी जगह है मैक्सिमा, यहां d2y by dx² नेगेटिव है और dy by dx 0 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं, यहां पे dy by dx 0 भी है और d2y by dx² नेगेटिव भी है, तो दिस इज मैक्सिमा, और यहां पे बेटा x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या हुआ है dy by dx 0 है और d2y by dx² पॉजिटिव है, यानी ये मिनिमा है, कब x इज इक्वल्स टू 2 पे मिनिमा है, x इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा है, सो y मैक्सिमम निकालना है तो x की वैल्यू 0 रख दो, ये रहा y का एक्सप्रेशन, इसमें x की वैल्यू 0 रख दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई y की 6, और y मिनिमम निकालना है तो x की वैल्यू 2 रख दो, ये रहा y का एक्सप्रेशन, इसमें x को 2 रखो, 2 3 8 माइनस 3 2 2 4 4 3 12 8 - 12 -4 +6 2, तो कितनी आई y मिनिमम 2, सो y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम वैल्यू 2 है, क्लियर है, x की वैल्यू 2 रख के चेक कर लो, 2 रखा 2 3 8 माइनस 3 2 2 4 4 3 12 8 - 12 -4 +6 2, क्लियर, तो ये हुआ मैक्सिमम मिनिमम।